The the greatness of a nation and its its moral progress can be judged by the way its animals are treated. extremely sensible statement जहाँ पे भी जानवरों का सम्मान होता है वहीं पे humanity फलती और फूलती है और इसका सबसे बड़ा example है हमारे हिंदू gods and goddesses विष्णु जी के चार अवतार जानवर हैं मत्स्य अवतार विष्णु जी का सबसे पहला अवतार था उसके बाद आए कुरमा फिर आए वरहा फिर आए नरसिम्हा फिर वामना और परशुरामा लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके बाद जब श्री राम और कृष्ण अवतार बन के मानव के रूप में आए तो उनका एनिमल्स के साथ एक अटूट रिश्ता था श्री राम की पूरी सेना जानवरों से भरी थी कोई भी ऐसी चीज नहीं होती सांसारिक जो एनिमल्स को अट्रैक्ट करे और श्री कृष्ण के लिए तो ये कहा जाता है कि वो अपनी गाय के लिए जब वो ग्वाला हुआ करते थे बंसी बजाते थे ताकि वो रिलैक्स रहे हैप्पी रहे पीसफुल रहे पीकॉक्स कॉक्स काफ्स और ऐसे बहुत से जानवर हैं जिनके साथ श्री कृष्ण की बहुत सी पेंटिंग्स और पोर्ट्रेट्स देखी जाती हैं हमारे सारे अवतार हमें यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बार बार अलग अलग रूपों में कि एनिमल्स का सम्मान करना चाहिए वो हमसे बराबर हैं बल्कि उनकी इनोसेंस इंसानों की इनोसेंस से ज्यादा है क्योंकि वो कुदरत को टोटली फॉलो करते हैं जानवर शब्द कोई गाली नहीं है इनफैक्ट ये तो किसी कॉम्प्लीमेंट की तरह है आप चाहे इसे सिम्बॉलिज्म कहें या फिर आप इसे रियालिटी कहें लेकिन गॉड्स एंड गॉडे लोगों को यही दिखाना चाहते हैं कि हमें भी सबसे ज्यादा प्यार इन्हीं से ही है वन लव एंड पीस आउट and Jay Ram.